आपने देखा कि यहां पे रेडियस ऑफ एफसीसी ये हम आपको बता चुके। इसमें दूसरा देखिए, रेडियस ऑफ बीसीसी, तीसरा रेडियस ऑफ प्रिमिटिव। अब ये तीनों रेडियस की सिस्टम आपको बताया मैंने, और मैं इनके फार्मूलों के सामने आपको भी लिख दे रहा हूं। यहां पे देखिए, आर एफ सी सी इक्वल टू आप लेंगे ए रूट टू अपॉन फोर के। रेडियस जो आप बी सी सी लेंगे इक्वल टू ए रूट थ्री बाई फोर। और रेडियस आप प्रिमिटिव की बात अगर मैं करूं, ये हो जाएगा आपका ए अपॉन टू के। ये पूरी रेडियस के विषय में आपको बता रहे हैं। अब रेडियस में आप यहां से देख रहे हैं कि ये चीजें खास करके मिल गई। इसके अगर मैं आपको डिस्टेंस की बात बताऊं, डिस्टेंस ऑफ एफसीसी जरा ध्यान दीजिए, जब आप देखते हैं कि डी इक्वल टू टू आर, आर एफसीसी के रूप में लेंगे तो डी इक्वल टू आपने देखा यहां पे टू इंटू ए रूट टू बाई फोर के, एकड़ गया दो आया। डी इक्वल टू आपने ए रूट टू अपॉन टू ले लिया। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये देखिए कि डी इक्वल टू यहां पे लेंगे ए अपॉन, ध्यान दीजिए कि रूट टू की बात करेंगे, जब रूट टू से रूट टू के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे दो आएगा, टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो ए अपॉन रूट टू के रूप में बात यहां पे कर सकते हो। हम सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हैं और पिकोमीटर में भी निकाल सकते हैं, टोटल यहां से देख सकते हैं। मैंने आपको ये चीज खास करके बताना चाहा, डिस्टेंस आप बीसीसी भी आपने पढ़ा था, और डिस्टेंस आप बीसीसी में अगर आप यहां से केयर करें तो देखिए डी इक्वल टू टू आर बीसीसी, डी इक्वल टू टू इंटू यहां से लेते हैं ए रूट थ्री बाई फोर, ये टू आया। डी इक्वल टू आपने ए रूट थ्री अपॉन टू के रूप में बात कर रहे हैं, अब ए रूट थ्री के रूप में इसको देखें, ये चीज डी इक्वल टू आपने ए रूट थ्री अपॉन टू ले लिया। अब तो नेक्स्ट हम आपको ये सेंटीमीटर में यूज कर लिए। थर्ड पॉइंट में डी इक्वल टू टू आर प्रिमिटिव, और ये सीधे इंपॉर्टमेंट में है कि यहां पे आप जानते हैं कि डी इक्वल टू होता ही है ऐसे केस में आर इक्वल टू ए अपॉन टू, अगर रखेंगे यहां पे टू एक कट जाएगा, डी इक्वल टू ए ले लेंगे। ये चीजें पूरी तरह से सॉल्व किया मैंने, और ये पॉइंट आउट करने के बाद आप यहां से केयर करिए,
जब पूरी तरह से पूरी डिस्टेंस आ गई और रेडियस आ गया, तो डिस्टेंस और रेडियस समझने के लिए आपको उसके क्रिस्टल लैटिस के रूप में बिल्कुल यहाँ पे बात इसमें आप यहाँ से ध्यान रखो। जैसे ये पॉइंट हम आपको बताना चाह रहे हैं कि डी इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ से ध्यान देने की बात करेंगे तो आप अच्छी तरह से देखें। हम यहाँ पे आपको बताएं कि आप रेडियस, इससे फार्मूला क्वेश्चन भी हम आपको एक दो कराते हैं। देखिए इसमें हम एक दिन आपको पूरी तरह से सॉलिड स्टेट के पूरी एक पूरे क्वेश्चन का एक बोर्ड लेवल का, एक आईआईटी जेई का और एक नीट का पूरे अलग अलग हम 3 वीडियो ऐसे अपलोड करेंगे जिनसे क्वेश्चन भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सको। फर्स्ट में अकॉर्डिंग टू आईआईटी जेई, सेकंड आपका नीट और थर्ड आपका बोर्ड लेवल के, उस क्वेश्चन के भी विषय में हम बात करेंगे जो बोर्ड लेवल से भी संबंधित आ सकते हैं। तो तीनों आए हुए सवाल को भी बात करेंगे, इसी तरह से अनसॉल्व्ड के भी क्वेश्चन की बात करेंगे और ये चीज क्लियर करने की बात हो रही है। यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट के डिस्टेंस की बात किया मैंने। आइए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखिए इसमें। कैलकुलेट दी रेडियस ऑफ ये शीशी। आप यहां से देख रहे हैं कि अब यहां से FCC लेते हैं, अब रेडियस ऑफ FCC इफ दी एज लेंथ 20 पीकोमीटर। आप 20 पीकोमीटर दिया गया, आप यहां 20 पीकोमीटर आपको मिल गया, इस पर आपको रेडियस बताना है यार। FCC के फंडामेंटल पे अगर आप जा रहे हैं, FCC में आप चाहें तो फिगर के हिसाब से डायरेक्ट हल्का से दिखा सकते हैं। ये देखिए केयर करने की बात है, तो सीधे अगर आप लेते हैं तो इसके लिए RFCC इक्वल टू ए रूट 2/4। क्लियर हो गया। अब ए रूट 2/4 अगर आपने यहां पे यूज कर लिया, ए कितना क्या दिया हुआ है, एच लेंथ। अब एच लेंथ आपको दिया है 20 पीकोमीटर, इसको चेंज करते हैं, ए इक्वल टू 20 पीकोमीटर इक्वल टू 20 × 10^-12 मीटर इक्वल टू 20 × 10^-10 सेंटीमीटर। आप स्मॉलेस्ट सेंटीमीटर में जाने कोशिश किए, नहीं तो आप पीकोमीटर में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। आर FCC इक्वल टू 20 × 10^-, चलिए 10 रख देते हैं, इंटू 1.414 अपॉन 4। आप यहां से देखिए इसमें अगर आप ले रहे हैं तो अच्छी तरह से चीजें पूरी बात क्लियर करेंगे। जब पॉइंट आउट करते हैं तो पूरा मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। यहां पे देखिए, चलिए डायरेक्ट यहां पे लेते हैं 5 × 5 = 20, 5 × 5 = 2 = 7, 5 × 5 = 2 = 7, 3.0
ये आएगा 10^-10 cm, या आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि 7.070 picometer भी कर सकते हैं। तो जब आप यहां से ध्यान लगाने की बात करेंगे कि आर्क ईएफसीसी, ये आपका आंसर निकल आया। तो हमारे कहने का मतलब है कि किसी रेडियस और कंडीशन अगर आपको पता हो गई तो आप अच्छी तरह से इसको लगा सकते हैं। आप यहां पे केयर करोगे, एक चीज यहां पे जानने की बात करोगे कि आज बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का कैसा फंडा होता है आपके ज्ञान में आएगी। इसमें सबसे खास बात थी क्वेश्चन देखने की बातें भी। अब हम एक क्वेश्चन और आपको बता देंगे। 2005 में ये आईटी का क्वेश्चन था, आप यहां ध्यान दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को आप लेते हैं, कैसे आप यूज करेंगे। क्वेश्चन देखिए, आयन एलिमेंट क्रिस्टलाइन, आयन एलिमेंट क्रिस्टलाइन इन ईएफसीसी लैटिस, आयन एलिमेंट क्रिस्टलाइन इन ईएफसीसी लैटिस। Having edge length 400 picometer, calculate the radius of डायामीटर इन ईएफसीसी। आप ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए, डायामीटर में आपको रेडियस यूज करना है। अब डायामीटर में रेडियस अगर आपको फाइंड करना है, लेकिन ईएफसीसी के सिंपल से सवाल है, सिंपल से क्वेश्चन है आपके सामने। और द क्वेश्चंस, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइन इन ईएफसीसी लैटिस हैविंग एज लेंथ 400 picometer। अब डायामीटर में आप इसको यूज करते हैं, आपको पता है कि इसका फॉर्मूला कैसे निकाला जाएगा। देखिए आप इसका सोल्यूशन, सोल्यूशन में अगर आप लेते हैं, इसमें आप ये ध्यान दीजिए, आर एफ सी सी इक्वल टू होता है a√2/4k। अब ये √2/4k आपने ले लिया, डायामीटर में निकालना है तो डायामीटर में निकालने के जानते हैं 2r1 हो जाएगा। अब 2r1 के अगर कंडीशन अगर आप लेंगे तो सीधे आपको बाद रिक्वायर्ड डायामीटर आप क्या दीजिए, इसमें रिक्वायर्ड डायामीटर, तो देखिए 2r1 इक्वल टू 2 into a√2/4। भाई दो दो कंडीशन लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, डायमीटर भी यूज करेंगे। अब यहां पे लेते हैं कि अगर पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है 2, तो ये पॉइंट आउट आपके सामने आ गया। अब आप इसको क्लियर कर लीजिए। ये वैल्यू आपके सामने आई, या तो आप बिल्कुल इस तरह से रखें कि 2r1 की वैल्यू अगर आप निकाल लेते हैं, इसमें a√2/4 के रूप में आ गया।
यहां पे लिखिए 2 इंटू 0.414। अब 2 इंटू 0.414 की बात करें इंटू आर टू अपॉन फोर कंडीशन आएगा तो 2 R1 = 2 इंटू 0.414 इंटू ए रूट टू बाई फोर। आर टू की वैल्यू ए रूट टू बाई फोर कंडीशन लेंगे, ये आर टू मान लीजिए, आर टू की वैल्यू आपके सामने ये चीजें खास करके निकाला मैंने। अब यहां से रखते हैं इसकी वैल्यू, देखिए 2 R1 = 2 इंटू 0.414 इंटू 400 इंटू 1.414 अपॉन फोर। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये टोटल वैल्यू आप निकाल लीजिए, इसको हल करिए, ये सॉल्व हो जाएगा 117.1। ये वैल्यू आएगी और पिकोमीटर कंडीशन पे अगर आप लेते हैं तो सीधे आप यहां ध्यान दीजिए, दिस इज पिकोमीटर, पिकोमीटर डायमीटर कंडीशन पे होता है। अब यहां पे पूरी तरह से अगर आप निकालेंगे तो ये चीजें खास करके दिखाई पड़ी ये क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन के दो तरीके के होते हैं कि अगर आप यहां पे रेडियस फाइंड आउट दिया हुआ है या फिर पीएच दिया हुआ है तो आप किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, ये चीज देखने को मिलती है कि जो हम डायमीटर का यूज करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आज का एक बेहतरीन टॉपिक हम आपको बताने चल रहे हैं। अब वो टॉपिक बहुत स्टैंडर्ड स्टार्ट कर रहे हैं जहां पे आप लेते हो पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग इफिशियंसी। आप यहां से ध्यान दीजिए, पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग इफिशियंसी गुड टॉपिक है। इसमें देखिए पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन, सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन आपको बताएंगे, फिर दोनों की अलग अलग डिफिनीशन दे देंगे, एक साथ भी दे देंगे। पैकिंग फ्रैक्शन आप यहां से केयर करिए, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग इफिशियंसी और द बेस्ट टॉपिक ऑफ द सॉलिड स्टेट इज डिपेंड अपॉन द रेडियस एंड एज लेंथ। रेडियस पर मेनली आप ध्यान दीजिए, इस ऑल्सो डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम्स। देखिए यहां पे द रेशियो बिटवीन वी एटम एंड वी यूनिट सेल, इन क्यूबिक इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। सीधे देखिए आप यहां पे पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वी एटम अपॉन बी यूनिट सेल। ये चीजें खास करके आपके सामने पैकिंग फ्रैक्शन की डिफिनीशन बताया मैंने। वी एटम का मतलब होता है वॉल्यूम, आप लेते हैं वॉल्यूम ऑफ एटम,
इन यूनिट सेल, और वी यूनिट सेल कम मींस आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की बात करेंगे। अब यहां पे लेते हैं इसको, आप देखिए ये देखिए आपके सामने मिला हुआ है, और पीएफ का मतलब पैकिंग फ्रैक्शन। अब ये इसकी डिफिनेशन थी, मैं आपको पैकिंग इफिशियंसी के विषय में बात करूं। पैकिंग इफिशियंसी देखिए, द परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन इन यूनिट सेल इज नोन एज पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन इन 200 इज इक्वल टू वी एटम अपॉन पी यूनिट सेल और इन 200। ये चीजें खास में आपको बता रहा हूं, ये दोनों कंडीशन पे पैकिंग इफिशियंसी एंड पैकिंग फ्रैक्शन के एक अलग डिफिनेशन होती है। किसी भी यूनिट सेल के अगर एटम के वॉल्यूम और यूनिट सेल के वॉल्यूम को अगर आप रेशियो बना लो, तो रेशियो अगर आप बनाते हो तो वही उसका पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है। द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ एटम एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन, एंड द परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज द पैकिंग इफिशियंसी। एंड इज द इन केस आप ऐसे पॉइंट पे लेते हैं, हम अलग अलग आपको बता रहे हैं, ये टोटली डिफरेंस आप करोगा। जब यहां पे लेते हैं पैकिंग फ्रैक्शन में वी एटम अपॉन वी यूनिट सेल आप लेंगे, वी एटम का मतलब वॉल्यूम ऑफ एटम, वी यूनिट सेल का मतलब है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो टोटली यूज इन द दिस टाइप ऑफ प्रोसेस ऑन द बेस ऑफ द वॉल्यूम कैलकुलेटिंग ऑफ द पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग इफिशियंसी। द क्लोज पैकिंग फ्रैक्शन एंड क्लोज पैकिंग इफिशियंसी नाउ द बेस्ट कंडक्ट ऑफ दिस सिस्टम एज ए लाइक टू फॉर द पैकिंग इफिशियंसी एंड पैकिंग फ्रैक्शन। तो जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि रेशियो अगर दोनों का वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन अगर आपको बताना है तो किसी भी यूनिट सेल में जाइए, उस एटम के प्रत्येक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, और नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने के लिए ये चीज खास करके देखने की मिलती है। ये चीज है, इसको हम एक फॉर्मूला में अगर हम आपको बिल्कुल दे देते हैं तो हम आपको यहां से बताएंगे कि इसको लिख सकते हैं जेड इन टू वी एटम अपॉन वी यूनिट सेल जेड। अब यहां पे जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम की कंडीशन आपके सामने आएगा, ये भी यूज कर सकते हैं आप यहां से क्लियर करेंगे, ये वेरी सिंप्लीफाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सॉलिड चैप्टर एक नया चैप्टर, नया टॉपिक, पिछली बार नया चैप्टर
पिछली बार जो आपके साथी आपके सीनियर जो अभी बोर्ड का एग्जाम दिए उसमें उनके पास में ये सिलेबस नहीं आया, इसके साथ साथ नाइट्रोजन फैमिली 15 ग्रुप भी नहीं था, इस बार ये ऐड कर दिया गया है। तो सॉलिड स्टेट समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम लोगों को लगती है, लेकिन मैं आज आपको बता दूं कि अगर आप बिल्कुल हमारे इस ऑनलाइन के माध्यम से अगर आप बारीकी से उसको देखेंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं किसी प्रकार की कोई, क्योंकि हम इसमें भागने की बात नहीं बता रहे हैं, ये एक बेसिक वाइज है, टॉपिक वाइज हम आपको डिफाइन कर रहे हैं। और डिफाइन करने के बाद आपसे जैसे सिंपल की बात आप ध्यान दीजिए, आपका टॉपिक आया यूनिट सेल की बात, अगर हमने किया तो यूनिट सेल में आप देखें ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट इज नोन एज द यूनिट सेल रिपीटिंग द 3D अगेन टू ओवर ऑफ द इन क्रिस्टल लैटिस दैट इज कॉल्ड ऑफ द यूनिट सेल्स एंड सो ऑन द डिस्कस ऑन द बेस ऑफ द यूनिट सेल्स विच लाइक टू फॉर द वॉल्यूम द रेशियो ऑफ वॉल्यूम इन यूनिट सेल्स इज कॉल्ड ऑफ द पैकिंग फ्रैक्शन रेशियो ऑफ वॉल्यूम व्हाट डू बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ एटम एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये इसका रेशियो अगर हम बढ़ाएंगे तो उस कंडीशन पे हमें पैकिंग फ्रैक्शन मिलेगा और आपका पैकिंग एफिशिएंसी आप इसको देख सकते हैं। ये चीज खास करके हम आपको बता रहे थे कि ये टॉपिक बिल्कुल आएगा। अभी मैं आपको बता रहे चल रहा हूं कि अलग अलग कैसे इसको सॉल्व किए जाएं, कितनी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी पैकिंग फ्रैक्शन आपको देखने को मिलेगी, क्लोज पैकिंग एफिशिएंसी एंड वैकेंट पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो सकती है यूनिट सेल में, ये चीज खास करके डिपेंड करेगी। आइए सबसे बेस्ट टॉपिक में ये चीज लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये ऑब्जेक्टिवल केस में, किसी भी कंडीशन से ऑब्जेक्टिवल खास करके नीट के लिए तो बिल्कुल एकदम इम्पॉर्टेंट टाइप में लगता है। और टॉपिक सिंपल बनाई जाती है, ऐसे में जरा ध्यान देने की बात कीजिए। आपको देखिए अभी मैं सबसे पहले क्यूबिक की, क्योंकि क्यूबिक ही आपके सिलेबस का बेस्टेस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन किसी भी तरीके से चाहे कोई भी 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में आप लैटिस सिस्टम के यूज कर सकते हैं, जिसमें आपकी ब्रावेज लैटिस के बारे में 14 के बारे में हम आपको अध्ययन करेंगे। तो आइए हम आपको यहां बताने चल रहे हैं क्रिस्टल सिस्टम के रूप में अगर लेते हैं तो खास करके एक चीज देखिए, इसमें पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल यूनिट सेल, अब देखिए पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल यूनिट सेल के रूप में आप मेजर करेंगे, कैसे आप लेते हैं डायरेक्ट हम इसको आते हैं अपने फिगर में। सबसे पहले आप देखिए सिंपल बना लीजिए, अब सिंपल आपने बिल्कुल बना लिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पे, जिस बच्चे को सिंपल यूनिट सेल नहीं आता है वो क्या निकालेगा, आपको बहुत सी बात बताई सिंपल यूनिट सेल की सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन होती है, कि जैसे हमने आपको सिंपल यूनिट सेल की आइडेंटिफिकेशन के बारे में विशेष बात किया तो आप यहां पे करेंगे, ये केवल 8 कॉर्नर पॉइंट होता है, 8 कॉर्नर पॉइंट प्रेजेंट ऑन द ईच लैटिस पॉइंट, अब कॉर्नर पॉट की अगर प्रेजेंट ऑन द ईच लैटिस पॉइंट की बात किया, ओनली लैटिस पॉइंट ओनली कॉर्नर पॉइंट अवेलेबल द पॉट किल अटैच ऑन द कॉर्नर, और कितने कॉर्नर हो सकते हैं, 8 कॉर्नर हो सकते हैं 8 कॉर्नर हो सकते हैं, 8 कॉर्नर का जो नंबर ऑफ एटम होता है वो आप जानते हैं निकालने के लिए कॉर्नर पे होता है कि आपने एन सी बाई एट नंबर ऑफ एटम की बात करेंगे तो NC/8 के रूप में बात करेंगे। तो ये जैसे हमने बोला सिंपल यूनिट सेल, अब सिंपल यूनिट सेल की आइडेंटिफिकेशन आपको दिमाग में फिगर बन जानी चाहिए, ऐसे एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाइए जिसमें केवल कॉर्नर पॉइंट हो, फेस पार्ट किल ना हो, बॉडी सेंटर पार्ट किल ना हो, केबल आपका होना चाहिए, केबल केबल ओनली जो आपने बात किया कॉर्नर पॉइंट होना चाहिए, और कॉर्नर पॉइंट अगर है तो उस केस में अगर आप यहां से देख रहे हैं कि सिंपल यूनिट सेल के रूप में हम अगर लेते हैं तो ये खास करके दिखाई पड़ेगी, जैसे आपने आप लिया, आप बच्चा आप देखिए अब आपने लिया कि पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वी
एटम अपॉन वी यूनिट सेल। ये चीजें खास करके बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम सीधे दोनों तरफ से बात करेंगे। यहां पे जब आप केयर करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल के रूप में आप निकालोगे वी एटम इक्वल टू जेड सिंपल यूनिट सेल इनटू 4/3 पाई आर क्यूब। आपको पता होना चाहिए कि क्लोज पैकिंग में जो एटम होते हैं वो स्फीयर में होते हैं, स्फेरिकल में होते हैं, और हर स्फेरिकल का आप जानते हैं वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब 4/3 पाई आर क्यूब के रूप में होते हैं, तो सबसे मेन टॉपिक में आपको मैं बता रहा हूं यहां पे इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको आपने ले लिया और यहां से ये a होता है h, ये a इक्वल टू 2r आपने पहले से ही देख लिया था, राइट। अब आप यहां से केयर करें, इसमें अच्छी तरह से लें जेड सिंपल इक्वल टू NC/8 के। क्यों NC/8? NC का मतलब है नंबर ऑफ कॉर्नर पार्टिकल। अब नंबर ऑफ कॉर्नर पार्टिकल कितने होते हैं? 8 होते हैं। आप यहां ध्यान दीजिए, इसका यूज लेते हैं 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, और इसका भी 1/8, यहां भी 1/8, 1/8 और 1/8। ये कॉर्नर पार्टिकल की है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूट, आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ एटम ऑफ कॉर्नर पार्टिकल 1/8। क्योंकि शेयरिंग जब 8 की होती है, शेयरिंग बिटवीन टू ईच अदर, पूरे जितने 8 कॉर्नर पार्टिकल हैं वो 8ों आपस में शेयर करते हैं, तो प्रत्येक का एक का कितना पार्ट हुआ? एक का 1 पार्ट हुआ, क्योंकि एक एटम बन सकता है। अब यहां पे देखते हैं तो इसको निकालेंगे, जब लेंगे 8/8 और ये कैंसिल होकर के 1 आया, जेड सिंपल एटम के रूप में निकालेंगे, 1 एटम आ गया। तो आपने देखा कि वी एटम सिंपल यूनिट सेल अगर आपने लिया तो इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। अब आप यहां से देखिए, जब ये खास करके मिल गया मुझे कि 4/3 पाई आर क्यूब ये हमारा सिंपल एटम का वॉल्यूम है, अब हम निकालते हैं कि यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा। आप यहां देखिए बी यूनिट सेल मतलब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब वी एटम यूनिट सेल की बात करें, ए क्यूब होता है क्योंकि ये 3D की पॉइंट होता है। अगर 3D की पॉइंट लेते हैं तो बिल्कुल आप यहां ध्यान देने की बात कीजिए, ए सी बी इसका कंडीशन ही होता है, ए इक्वल टू वॉल्यूम होता है। अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो ये टोटल आपने ले लिया ए इंटू बी इंटू और सी के रूप में है। ये एक्सिस के कंडीशन पे अगर आप यहां ध्यान देने की बात कीजिए, अब एक्सिस के कंडीशन पे अगर आप लेते हैं तो सवाल एक चीज आप यहां से ध्यान से कि ए इंटू बी इंटू सी आप यहां पे लगाएंगे तो हम आपको इसमें बता रहे थे कि वॉल्यूम देगा। ध्यान दीजिए, ए इक्वल टू होता है 2r, ए इक्वल टू 2r क्योंकि दो पार्टिकल की रेडियस आपको मैंने पहले से बता चुका कि रेडियस यहां पे r और यहां पे r, तो ए इक्वल टू 2r के कंडीशन पे लगाएंगे। अब आप यहां से केयर करिए, जब ए इक्वल टू 2r आपको मिल गया तो आप ध्यान दीजिए v यूनिट सेल इक्वल टू ए क्यूब इक्वल टू 2r का क्यूब लेते हैं। अब जब 2r का क्यूब आप यूज करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 8r क्यूब के। आपको मिल गया कि v यूनिट सेल इक्वल टू 8r क्यूब। ये टॉपिक आपने प्राप्त किया कि
जब आप केयर कर रहे हैं, आप देखो इतना क्लासिकल की तरह आपको मैं यहां पे ट्रीट कर रहा हूं, जो लेक्चर चल रहा है क्लासिकल की तरह चल रहा है, बिल्कुल समझ सकते हैं। मैं रुक करके भी पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन करने की बात कर रहा हूं, तो जो 8R³ आया अब सीधे आप इस फॉर्मूला में आपको मिलेगा और इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद आप निकाल लेंगे। यहां से देखने की बात कीजिए, ये चीजें खास करके मैं ऊपर आ रहा हूं कि पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू आपने ले लिया 4/3 πr³ अपान, ये हो जाएगा 8R³ के, R³ कैंसिल, ये 2 हो गया, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू π/6 आ गया। अब π/6 के रूप में इसको मेजर करेंगे, ये चीजें खास करके अगर मैं यहां पर रख करके निकालूं तो जरा आप यहां से केयर करिए। पैकिंग फ्रैक्शन ये सिंपल के लिए है, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल में आप निकाल सकते हैं π/6। π/6 की वैल्यू आप रखेंगे, देन पाई इक्वल टू, आप ये ध्यान दीजिए 3.14 होता है, तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू 3.14/6। अब इसको जरा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा ये आएगा 0.6530, 5 आ गया। अब 6 × 5 = 30 बिल्कुल निकल गया, 6 × 2 = 12, यानी जाने दीजिए 0.52%। अगर 0.25% और ले जा सकते हैं आप, तो देखिए 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 14, अब 6 × 3 = 18, यहाँ पे 3 वैल्यू आ सकती है, देन पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू 0.523। ये वैल्यू आपके सामने पैकिंग फ्रैक्शन का निकाल लिया। अब मैं पैकिंग एफिशिएंसी बताऊंगा, तो देन द वेरी गुड इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द π/6 ऑफ द पैकिंग फ्रैक्शन एंड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्फ, ये कंडीशन आपके सामने आया तो 0.523 आपको निकल गया। अब हम इसको पैकिंग एफिशिएंसी में करेंगे, तो पैकिंग एफिशिएंसी आप जानते हैं कि यहाँ पे जब आप इसको देखेंगे कि बिल्कुल आप यूज करोगे कि पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100 के, अगर आपने निकाल लिया तो आप यहाँ से केयर करिए। अब ये पॉइंट आपके सामने आया तो हम जब आपने यहाँ पे बिल्कुल बताया कि पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100 आपने किया तो 100 सीधे आया 0.523 इनटू 100 आप निकाल सकते हैं 52.3%। ये आपका 52.3% ये आपका पैकिंग फ्रैक्शन है, क्लोज पैकिंग एफिशिएंसी 52.3 आपने निकाल लिया। तो एक यहाँ पे नोट पॉइंट आप यहाँ केयर करिए, जब मैं नोट पॉइंट आपको बताता हूं तो सबसे मेन टॉपिक आप ध्यान दीजिए कि पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू 52.3% आया, ये क्लोज पैकिंग एफिशिएंसी है, आप यहां ध्यान दीजिए दिस इज क्लोज्ड पैकिंग एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। अब देखिए ये पहला कंडीशन, दूसरा अगर मैं बात करूं वैकेंट इन सिंपल यूनिट सेल की बात किया तो इसके लिए आपने एफिशिएंसी जो कंडीशन निकालेंगे ये आएगा 100 पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू 100 माइनस 52.3 ये आएगा 47 पॉइंट, आपने निकाल लिया 47.7%। ये चीज खास करके देखिए, दोनों कंडीशन आप ये ध्यान दीजिए, क्लोज पैकिंग और वैकेंट पैकिंग में आप केयर करते हैं, जो सिंपल लैटिस यूनिट सेल की बात हम करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ा कि पैकिंग एफिशिएंसी का जो टॉपिक है आप केयर कर रहे हैं। यहाँ से देखिए इसमें दो पार्ट हुआ, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद यहाँ से आया और यहाँ से आने के बाद उस साइड मैंने यूज किया और इधर पूरी तरह से आपको बताया। तो नाउ द बेस्ट टॉपिक ऑफ द क्लोज पैकिंग एफिशिएंसी एंड पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन एंड क्लोज पैकिंग एफिशिएंसी द बेस्ट इंपॉर्टेंट रोल फंक्शन ऑफ द
रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम्स इन यूनिट सेल्स, व्हाट टू मीन्स ऑफ द यूनिट सेल रिलेशन, क्या कर सकते हैं इसमें वॉल्यूम ऑफ एटम एंड वॉल्यूम ऑफ एटम को अगर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से डिवाइड कर दिया जाए तो हम इसमें पैकिंग फ्रैक्शन ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको ये मिल गया। लेकिन दो कंडीशन होती है, कैसा होता है, जब पार्टिकल आपस में कनेक्ट करते हैं, जहां से पार्टिकल आपस में कनेक्ट करेंगे वो एक दूसरे से जुड़ेंगे, तो एक दूसरे से कनेक्ट और जुड़ने के बाद आप यहां से केयर करते हैं, उनके बीच में जहां भी बिल्कुल कोई गैप नहीं पाई जाती है तो उसे हम क्लोज पैकिंग कहते हैं। द पार्टिकल टच टू ईच अदर, टच टू ईच अदर, डू नॉट प्रेजेंट इन वैकेंट, सो आर द क्लोज पैकिंग एफिशिएंसी, एंड क्लोज पैकिंग एफिशिएंसी इज ऑल्सो इंक्लूड द 52.3% एंड 52.3% आपको मिला। और उसका वैकेंट पार्ट जहां से वो खाली स्थान पाया जाता है, होल पाया जाता है, वैकेंट पार्ट पाया जाता है, इसे हम वायर्ड की कंडीशन कह सकते हैं, एज ए लाइक टू फॉर ऑफ द वैकेंट एफिशियंसी ऑफ द पैकिंग जस्ट लाइक टू 47.7% इन द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। एक बार फिर से बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में बच्चों आप दो कंडीशन देखिएगा, पहले तो रेशियो बिटवीन वॉल्यूम्स ऑफ एटम एंड यूनिट सेल, इससे आपको पैकिंग फ्रैक्शन आएगा, फिर 100 से मल्टीप्लाई करके आपको पैकिंग एफिशिएंसी मिल जाएगी। और इसमें दो टाइप का कंडीशन होती है, क्लोज पैकिंग एफिशिएंसी, एक वैकेंट, वैकेंट मीन्स होता है खाली भाग के लिए यानी वायर्स के लिए, जहां पे सॉलिड स्फीयर आपस में कनेक्ट करते हैं उनके बीच में कुछ वैकेंट पार्ट हो जाता है, तो उसकी एफिशिएंसी क्या होती है। अगर क्लोज वैकेंट एफिशिएंसी को 100 में से माइनस कर दिया जाए तो हमें वैकेंट एफिशिएंसी मिल जाती है। तो हम इस तरह से आपको बताए हैं, जैसे अभी आप सिंपल के रूप में इसको मेजर कर सकते हैं। और ये सबसे बेस्ट टॉपिक पे चलते हैं, इसी तरह से पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बीसीसी के विषय में बात करेंगे हम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, एफिशिएंसी ऑब्जेक्टिवल पोर्शन से एंड अदर कंडीशन से भी आपको एफिशिएंसी निकालने के लिए मिल जाता है। इस पर भी कई क्वेश्चंस बनेंगे, जब इफिशियंसी से नंबर ऑफ एटम कैसे फाउंड करेंगे इस पर भी बताया जाएगा। देखिए बहुत ही घबराने की बात नहीं है, आप सिंप्लीफाइड में हर एक चैप्टर का सिस्टम बनाकर पढ़िए, पढ़िए उसको बिल्कुल ऑब्जर्व करके पढ़िए, ऐसे ध्यान से जाए कि आप कुछ ग्रहण कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं और आपको लाइफ हो रहा है, लेकिन समझिए उसको, कंक्लूज करिए, उसके ऊपर प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस इज द बेस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द स्टूडेंट लाइफ फॉर क्वेश्चन कैलकुलेशन सॉल्विंग। अगर क्वेश्चन कैलकुलेशन सॉल्विंग पर ध्यान दें तो प्रैक्टिस द बेस्ट इंपॉर्टेंट यूज होगा किसी भी तरीके से। देखिए हवा में उड़ने से कोई बात नहीं चलेगी, प्रैक्टिस इज द बेस्ट इंपॉर्टेंट। हार्ड लेबर का आप ध्यान दीजिए, हार्ड लेबर का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, और आप यहां से कोई चीज करेंगे तो बिल्कुल आप अच्छी तरह से, वो आपका अपना है, जितना अधिक मेहनत कर सकते हैं उतना आप कर लीजिए। ये चीजें खास करके दिखाई पड़ रही है। आइए सबसे बेस्ट टॉपिक में चल रहे हैं हम, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बीसीसी। बॉडी क्यूबिक सेंटर्ड यूनिट सेल में बात कर रहे हैं, सबसे पहले आप इसका फिगर बनाएंगे। देखिए आप ये पॉइंट आउट करेंगे, आप अगर आप लेते हैं तो आप केयर करिए, हम आपको बता रहे हैं अच्छी तरह से। इसमें ध्यान देने की विषय है ये चीजें, बीसीसी में एक आपका बॉडी सेंटर होता है पार्टिकल। अब बॉडी सेंटर पार्टिकल में इसके दो ट्राई एंगल कंडीशन आप यूज कर लीजिए,
टू ट्राइक एंगल कंडीशन अगर आप लेते हैं तो सबसे पहली पॉइंट देखिए ए सी बी एंड डी, ये आपका बीसीसी बन गया। बीसीसी किसे कहते हैं? व्हेन द पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर एज वेल एज वन पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द सेंटर ऑफ बॉडी इन यूनिट सेल इज कॉल्ड बीसीसी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब आप यहां से ध्यान देने की बात कीजिए, दो पार्टिकल के बीच का बताइए क्या होगा, ये ए है पक्की बात, यहां से लेकर के यहां तक कंडीशन आप लेते हैं ये भी एक कंडीशन होगा, ये भी एक कंडीशन, ये भी एक कंडीशन होगा। इस लाइन की जो अभी आप देख रहे हैं इसके बीच में भी ए होगा और यहां पे भी ए होगा। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक दो लैटिस पॉइंट अर्थात दो पार्टिकल के बीच की जो एज लेंथ होती है उसे ए पिकोमीटर के नाम से जाना जाता है। ऐसे में आप बिल्कुल यहां पे देखें, अब हम आपको इसमें बता रहे हैं कि कैसे आप इसको देखेंगे। पहला लीजिए फ्रॉम, पहले आप इस ट्राई एंगल की कंडीशन पे जाइए जो आप यहां से लेकर के यहां तक आ रहे हैं। फ्रॉम ट्राई एंगल ए बी सी, ए बी सी लेते हैं सब फर्स्ट टाइम, अब ए बी सी यूज कर लिए तो देखिए ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर एंड प्लस बी सी का स्क्वायर आप करेंगे, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, आप देखो ये बी का स्क्वायर एंड बी सी का स्क्वायर यहां से रूट टू होगा तो स्क्वायर हट जाएगा। खास करके ध्यान देने की विषय की बात है, आप अच्छी तरह से समझिए, ट्राई एंगल में पाइथागोरस प्रमेय का जब यूज कर लेंगे तो आप यहां पे इसको बताने की कोशिश करेंगे कि ऐसे में ए कंडीशन आया, अब ए बी, ए बी कहां है आपका, ए से लेकर के बी तक का एज लेंथ ए है। अब जरा देखिए ए बी इक्वल टू ए पी को मीटर और आपने बी सी लिया तो बी सी आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, बी सी इक्वल टू ए पी को मीटर, ए सी इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ए सी इक्वल टू ए रूट टू आ गया। ये ध्यान दीजिए पिकोमीटर में, अब ए सी ए रूट टू, ए रूट टू आपको मिल गया। देखिए यहां पे भी हम न्यूमेरिकल बना सकते हैं कि अगर ए सी की हमें बिल्कुल एज लेंथ आपको पता करनी है तो आप इस फॉर्मूले को लगा करके आप निकाल सकते हैं, लेकिन हमें पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन के रूप में बात करते हैं तो सबसे पहले हम आपको यहां पे दिखाना चाहेंगे कि ये चीज खास करके कैसे निकलेगा। इसमें देखिए अब अगर ये मिल गया तो रेडियस आपने सॉल्व किया था फ्रॉम ट्राई एंगल ए सी डी से, ए डी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर, ए डी इक्वल टू अंडर रूट ए सी का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर, ए सी इक्वल टू ए रूट टू सी डी इक्वल टू ए, आपको मिला। अब आप यहां से ध्यान दीजिए ए डी इक्वल टू, अगर आप केयर कर रहे हैं तो सबसे मेन पॉइंट है आप लेते हैं ये चीजें आता है कि अंडर रूट टू ए रूट टू का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इक्वल टू ए रूट थ्री, ए डी इक्वल टू फोर आर आपने पढ़ा है, अब फोर आर आपने बिल्कुल पढ़ा तो ए इक्वल टू फोर आर अपॉन रूट थ्री, ये आपको मिल गया पीकोमीटर। सवाल यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब जानते हैं कि अगर हम देखें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बीसीसी की बात करें, लेंगे एक क्यूब होगा, अब जब हम एक क्यूब की बात कर रहे हैं तो सीधे आपके सामने ये चीजें खास करके देखते नोट करते जाइए, एक क्यूब इसकी वैल्यू रख देंगे आप फोर अपॉन फोर आर बाई रूट थ्री का क्यूब कर देंगे
वैल्यू आ जाएगा 64 आर क्यूब 3√3 के। ये वीक, यूनिट सेल की बात किया, आपको इतना मिल गया। अब ये अगर हम देख रहे हैं कि यहां से आपको 64 आर क्यूब 3√3 आपको ऑब्जर्व हो गया, तो अब आप सीधे इस टॉपिक पे आएंगे कि जहां पे इसको ले रहे हैं, यहां से देखने की बात कीजिए। वी एटम BCC इक्वल टू जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब जेड बी सी सी अगर आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जेड बी सी सी इक्वल टू NC/8 प्लस आपने ले लिया NI यानी सेंटर, जेड बी सी सी इक्वल टू 8 × 1/8 प्लस 1 आया, जेड बी सी सी इक्वल टू हो जाएगा 2 एटम। अब आप उसमें मल्टीप्लाई करिए, बी एटम बी सी सी इक्वल टू तो 2 × 4/3 पाई आर क्यूब के, ये मिल गया 8/3 पाई आर क्यूब बी एटम बी सी सी। अब ये दोनों मिल गए तो आपको बिल्कुल यहां से केयर करने की बात अगर आई तो आप निकाल सकते हो। जब आपको यहां बीसीसी के रूप में अगर सॉल्व करने की तरीका होगी तो आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो हम आपको पैकिंग एफिशिएंसी आप इतना नोट कर चुके हैं, अब हम थोड़ा सा और आपको बता रहे हैं इसमें कैसे यूज करेंगे, ये ध्यान देने की बात कीजिए। खास करके इस दोनों पॉइंट को नोट करे हुए हैं, अब आप केयर करिए। जब आप इसको लेते हैं, यहां पे मैं बात कर रहा हूं इसमें कि पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू वी एटम बी सी सी अपॉन बी यूनिट सेल्क बी सी सी। तो जरा आप यहां से ध्यान देने की बात कीजिए, एटम का वैल्यू आया 8/3 पाई आर क्यूब, 8/3 पाई आर क्यूब अपॉन 64 आर क्यूब बाई 3√3। अब जरा सोचिए, आर क्यूब से कट जाएगा, 8 आएगा, 3 से कट जाएगा, √3 ऊपर जाएगा। पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू √3 इंटू पाई अपॉन 8 लेंगे। ये एक फॉर्मूला हमारे सामने जो पैकिंग फ्रैक्शन का रूप आया है। अब पैकिंग फ्रैक्शन का रूप अगर हम देखेंगे, यहां पे आप इसको देखें, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू 1.732 3.14 अपॉन 8, पैकिंग फर्स्ट 0.68% नियर अबाउट 0.68 ये वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम इसको पैकिंग इफिशियंसी करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100 इसको निकालेंगे, पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू 0.68 × 100 तो 68% आया। ये 68% आया, इसका वैकेंट पैकिंग इफिशियंसी करेंगे तो 32% होगा। तो दोनों कंडीशन पे आपको सामने मिल गया। जब हम इस तरह से बच्चों बताएंगे तो आज आपने देखा बिल्कुल लाइव क्लास में, और हमारे यूट्यूब पर भी ये मिलेगा, और लाइव टॉप से सीधे आप पढ़ रहे हो तो आपके सामने दो फंडामेंटल हमें बताया कि पैकिंग इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज नोन एज पैकिंग इफिशियंसी। तो आप इस तरह से अगर अध्ययन करेंगे तो आपको बेस्ट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।